राधे राधे। आज मैं आपको गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर चोली बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो चलिए, 10 नंबर की सिलाई ले ली है मैंने और 3 प्लाई की ऊन है और वाइट और पिंक कलर से चोली बनाऊंगी। तो चलिए, ये 18 फंदे डाल लिए है मैंने। अब मैं उल्टी सीधी सिलाई उतार दूंगी इसमें और उसके बाद दिखाती हूँ कैसा डिजाइन डालूंगी इसमें और कैसे बनाऊंगी चोली को मैं। सिलाई कंप्लीट कर ली है मैंने, अब मैं उल्टी सिलाई उतार रही हूँ इसमें। लीजिए, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई दोनों उतार ली है मैंने और अब मैं सीधी सिलाई उतारूंगी। पहले 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी बटन पट्टी के लिए और फिर मैं फंदे बढ़ाऊंगी धागा आगे की साइड करके, एक फंदे में सिलाई डालकर और फिर उसके सिलाई के ऊपर से घुमाकर जाली बनाऊंगी और एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। सब फंदों के ऊपर मैं फंदे बढ़ाऊंगी और पीछे वाले जो फंदे बचेंगे उनको उल्टा ही बनाऊंगी बटन पट्टी के लिए। तो चलिए, इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे दिखाती हूँ। लीजिए, ये पूरी सिलाई के ऊपर मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं और सिलाई को कर लिया कंप्लीट। अब मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ उल्टी उल्टी बनानी है। ये उल्टी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक सिलाई सीधी बनाऊंगी। सिलाई में भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना, ऐसे ही बनानी है। लीजिए, ये मैंने सीधी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी, उल्टी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। इसमें भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना, ऐसे ही बनानी है सीधी सिलाई। लीजिए, वाइट से मैंने उल्टी सीधी सिलाई दोनों उतार ली हैं। अब मैं इस पिंक वाली से बनाऊंगी। 2 फंदे ऐसे ही उल्टे बनाए हैं बटन पट्टी के लिए और फिर मैं सब फंदों पे फंदे फिर बढ़ाऊंगी आगे की साइड धागा करके, फिर सिलाई को एक फंदे में डाल के उसके ऊपर से घुमा के ऐसे ही करके मैं ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लूंगी और लास्ट वाले 2 फंदों पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। 2 शुरू वालों पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी और 2 लास्ट वालों पे फंदे नहीं बढ़ाऊंगी। तो चलिए, इस तरह मैं ये सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये पिंक वाली सिलाई से उल्टी सीधी सिलाई दोनों कंप्लीट कर ली है और फिर एक वाइट वाली से उल्टी सीधी सिलाई कंप्लीट की है मैंने। 14 फंदे फिर बीच में रखूँगी कमर के लिए और फिर 9 फंदे बाजू के लिए। तो इस तरह करके मैंने सारे फंदों को डिवाइड कर लिया है और ये मैं पिन में फंदे डाल रही हूँ क्योंकि स्वेटर की मैं पूरी बाजू बनाऊँगी। तो ये मैंने 14 फंदे पिन में डाल लिए हैं और पिन को कर दिया बंद। अब मैं आगे वाली सिलाई में से फंदा लेकर ऐसे ही मैं सीधी सिलाई बनाऊंगी पिंक वाली ऊन से। चलिए, अब दूसरी बाजू के लिए भी फंदे मैं डाल लूँगी। ये मैं सुई में फंदे डाल रही हूँ और ऊन भी रो रखी है सुई में, वही 14 फंदे डाल लूँगी मैं। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ मैं, नया तरीका है। बीच में पिन परेशान भी नहीं करेगी स्वेटर बनाते हुए। लीजिए, मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं सुई को निकाल लूँगी इन फंदों में से क्योंकि पीछे धागे पे मैंने गांठ लगा रखी, धागा नहीं पिरो रखा, ऊन पिरोई हुई है और उस गांठ में से मैंने एक बार निकाल दिया और इसको ज़्यादा टाइट नहीं किया, हल्का सा ही टाइट किया। तो चलिए, अब अगली सिलाई से एक फंदा लेकर इसको बना लेते हैं और इसी तरह इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी। ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मैं पिंक कलर वाले से उल्टी सिलाई उतारूंगी। चलिए, मैं इसी तरह उल्टी सीधी वाइट और पिंक से सिलाई उतार लेती हूँ और 6 सिलाई बना लेती हूँ, 3 वाइट से और 3 पिंक से। उसके बाद बताती हूँ कैसे बनानी है चोली को आगे। ये पिन वाले फंदे खोलकर अब मैं सिलाई में डाल लूँगी और उल्टी सीधी सिलाई बनाऊंगी वाइट और पिंक से और इस बाजू को मैं कंप्लीट कर लूँगी। एक एक फंदा करके मैं इसमें डाल लूँगी सिलाई में। फंदे मैंने सिलाई में डाल लिए हैं। अब मैं पिंक कलर की ऊन से बनाऊंगी एक सीधी सिलाई और एक उल्टी हैं। तब थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखकर और बड़े वाले धागे के ऊपर घुमाकर और फिर आगे सिलाई बढ़ाएं क्योंकि इस तरह स्वेटर ख़राब भी नहीं होगी, धागा खुलेगा भी नहीं। ये मैंने वाइट कलर की ऊन से बना लिया था, अब मैं पिंक वाली से बना रही हूँ एक सीधी और एक उल्टी सिलाई और फिर सीधी सिलाई में
और ये पिंक वाली से भी मैं बना चुकी। अब मैं वाइट कलर की ऊन से बनाऊंगी, एक उल्टी सिलाई बनाऊंगी और एक सीधी बनाऊंगी। और जो ये एक्स्ट्रा ऊन का धागा बचा हुआ है, इस बड़े वाले धागे के ऊपर ऐसे लपेट दूंगी मैं। लीजिए, वाइट वाली ऊन से भी उल्टी सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली थी और पिंक वाली से भी उल्टी सीधी सिलाई दोनों कंप्लीट कर ली। अब मैं फंदे बंद कर दूंगी, दो का एक करके इस तरह इस सिलाई को मैं पूरी कंप्लीट कर लूंगी और सारे फंदों को कर दूंगी बंद। लीजिए, सब फंदों को मैंने बंद करके कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वाला फंदा बचा है। और इस लास्ट वाले फंदे में से ये एक्स्ट्रा धागा कट करके रख दिया और उस फंदे में से उस धागे को निकाल दिया और ये बाजू हो गई हमारी बंद। चलिए, अब मैं दूसरी बाजू, ये दूसरी बाजू के फंदे भी मैंने सुई वाले धागे में से निकाल कर सिलाई में डाल लिया था और बाजू को कर लिया कंप्लीट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कितनी सुंदर चोली बनकर तैयार हुई है। और कमेंट करके मुझे बताएं ये चोली आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो भी कमेंट करना और अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करना। एकदम सिंपल तरीके से बनाई है चोली और बहुत ही सुंदर चोली बनकर तैयार हुई है। एक बार आप भी जरूर बनाएं, वीडियो को शेयर करें कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नहीं कोई कुर्ती डिजाइन के साथ। राधे राधे।